मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली है। ग्रेटर इंफाल सहित छोटे बड़े 25 शहर और कस्बे, 1700 से ज्यादा गांवों के लिए इस प्रोजेक्ट से जो जलधारा निकलेगी, ये जलधारा जीवन धारा का काम करेगी। बड़ी बात ये भी है कि ये प्रोजेक्ट आज की नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और आप जानते हैं, जब शुद्ध पानी पीने को मिलता है तो इम्यूनिटी को बहुत मदद मिलती है, रोग प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बीमारियां दूर रहती है। इसलिए इस पानी सिर्फ नल से पानी आएगा इतना विषय नहीं है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हर घर नल से जल पहुंचाने के हमारे व्यापक लक्ष्य को भी बहुत अधिक गति देगा। मैं इस वाटर प्रोजेक्ट के लिए मणिपुर के लोगों को और विशेष करके मणिपुर की मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तभी मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यही वजह थी कि लॉकडाउन के समय में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाने और जागरूकता बढ़ाने, पंचायतों के साथ लाने का काम लगातार जारी रहा। आज स्थिति यह है कि देश में करीब करीब 1 लाख वाटर कनेक्शन, यानी घरों में पानी का कनेक्शन प्रतिदिन रोज दिया जा रहा है। यानी हर रोज 1 लाख माताओं बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं। 1 लाख परिवार की माताओं बहनों को उनका जीवन आसान बना रहे हैं। ये तेजी इसलिए भी संभव हो पा रही है क्योंकि जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसमें गांव के लोग, विशेष करके गांव की बहनें, गांव के जनप्रतिनिधि ही मिलकर के तय कर रहे हैं कि कहां पाइप बिछेगी, कहां पानी का सोर्स बनेगा, कहां टैंक बनेगा, कहां कितना बजट लगेगा। साथियों, सरकार की व्यवस्था में इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन, इतनी बड़ी मात्रा में ग्रास रूट लेवल पर एम्पावरमेंट, आप कल्पना सकते हैं कि पानी कितनी बड़ी ताकत बन के आ रहा है। साथियों, ईज ऑफ लिविंग
जीवन जीने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग, जीवन जीने में आसानी, ये बेहतर जीवन की एक जरूरी पूर्व शर्त है। पैसा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग, इस पर सबका हक है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहने, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। बीते 6 साल में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को, सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है। आज भारत के हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है। करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है। आज एलपीजी गैस गरीब से गरीब के किचन तक पहुंच चुकी है। हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बड़ी कमी रहती थी साफ पानी की, तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है। साथियों, बेहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही। एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म, उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को
फोर लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को टू लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इसके तहत करीब 3000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जीरी बाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानियों को आने वाले 2 वर्षों में एक बेहतरीन रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रोड और रेलवे के अलावा नॉर्थ ईस्ट की एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े करीब 13 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इम्फाल एयरपोर्ट सहित नॉर्थ ईस्ट के जो मौजूदा एयरपोर्ट्स हैं, उनका विस्तार करने के लिए, वहां आधुनिक सुविधाएं तैयार करने के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और बड़ा काम हो रहा है, इनलैंड वॉटरवेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैं देख रहा हूं। यहां अब 20 से ज्यादा नेशनल वॉटरवेज, उस पर काम चल रहा है। भविष्य में यहां की कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगी। अब समंदर और नदियों के नेटवर्क के जरिए एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, हमारे किसानों को मिल रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लिए होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में समय की बचत हो रही है। दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के गांवों को, किसानों को दूध, सब्जी और मिनरल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मौका मिला, एक बहुत सपने लेकर के इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर देश को दिशा दिखाएगा, इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।